सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज हम लोग अपने पुराने कबूतरों का पर कैच करने वाले हैं। मतलब गाइस, जो कबूतर अपने पास उड़ चुका है लेकिन अब उसे जो है हमें नहीं उड़ाना, सिर्फ और सिर्फ मुझे उनसे ब्रीड लेना है, उन कबूतरों का गाइस पर जो है कैच कर देंगे। तो शायद अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचें कि भाई जो कबूतर आपके छत पर सेट है उसका पर क्यों कैच करना है। तो भाई देखो, जो कबूतर गाइस छत पे सेट है वो तो अच्छी बात है, लेकिन गाइस उनमें से कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उड़ान के होते हैं, आप उन्हें कितना भी रोकने की कोशिश करो वो लोग जो है गाइस उड़ते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी गाइस उस चक्कर में जो है बच्चे मर जाते हैं या फिर अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस ऐसा ही सीन जो है लाल कासनी के साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब लाल कासनी को गाइस मेरे को बहुत टाइम हो गया जो है ब्रीड में डाले हुए, और उसकी फीमेल जो है अंडे भी रख देती है, लेकिन गाइस अभी भी अपने पास उसके एक भी बच्चे नहीं हैं। उसका यही रीज़न है कि गाइस वो जो है बार बार उड़ उड़ करता है, अंडे रख देता है और बार बार उड़ जाता है, तो उसमें दिक्कत, फिर बच्चे को खिलाने में दिक्कत, तो इसीलिए गाइस जो है बच्चे उसके नहीं बच पाते, ठीक है। और गाइस मेरे को उन कबूतरों को बिल्कुल उड़ाना भी नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो गाइस मैंने उड़ा के देख लिया है, काफ़ी शानदार कबूतर है, काफ़ी अच्छी उनकी टाइमिंग है, काफ़ी अच्छे ब्रीड में है। अगर वो कबूतर कोई भी केस में अगर निकल जाते हैं तो भाई वैसे कबूतर जो है मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई वैसे कबूतर मेरे पास से जाएं, इसीलिए गाइस लाल कासनी और लाल बाजरे का दोनों का जो है पर कैच कर दिया जाएगा। और एक घाघरी फीमेल है, वह भी बार बार उड़ उड़ करती थी, लेकिन उसका जो है पर मैंने पहले ही कैच कर दिया, ठीक है। उसका भी जो है गाइस मैं शौक कराऊंगा, वो देखो वहाँ पे जो है बैठी हुई है। और जो अपने उड़ने वाले कबूतर हैं जैसे कि कासनी हो गया, फिर गोल्डन बाजरी फीमेल हो गई, ये लोग गाइस ऐसे हैं कि इनको जब आप उड़ाओ तभी ये लोग उड़ेंगे, लेकिन गाइस जो दो तीन कबूतर मेरे पास ऐसे हैं कि इनको मैं चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करूं, ये लोग भाई नहीं रुकते, ये लोग जो है निकलते ही उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं चाहता कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे पास से वो कबूतर जाएँ, तो इसीलिए जो है उनका पर हम लोग कैच कर देंगे। और अगर आप लोग के पास भी ऐसे कबूतर हैं जिन्हें आप रोकना चाहते हो, ब्रीडिंग कराना चाहते हो, लेकिन वो रुक नहीं रहे, तो आप भी गाइस उन कबूतरों का पर कैच कर दो। हम लोग उनका पूरा पर कैच नहीं करेंगे, मतलब गाइस क्या करेंगे कि भाई उनका जो चार मेन पर है वो छोड़ देंगे और बाकी सब पर जो है कैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी जो है भाई सबसे पहले मैंने लाल बाजरे कबूतर को पकड़ लिया है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने इसका शौक किया ही है, दोबारा से शौक कर लो। वाइट आइस का कबूतर है, ठीक है। और गाइस ये देखो भाई, ये है इसके कुछ पर। गाइस कबूतर एकदम छत पे एकदम टिक गया है, ऐसा नहीं कि भाई भागने के लिए करता है चाहे कुछ भी, काफ़ी बार उड़ भी चुका है, लेकिन गाइस मेरे को ये कबूतर को भी जो है ब्रीडिंग के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे कबूतर जो है अगर एक बार निकल जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते, ठीक है। तो जो कबूतर आपके एकदम छत पे सेट हो, जिनकी उड़ान आप लोगों ने देख लिया हो, तो उस कबूतर को मतलब बचाना चाहिए, उसकी ब्रीड को आगे लेके चलना चाहिए। और गाइस इसके बच्चे जो है हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है गाइस रुक नहीं रहा है, हम लोग चाहे कितना भी वो कर रहे हैं ये रुक नहीं रहा है कबूतर, और जो है बार बार उड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा टाइम उड़ता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता भाई कि ये किसी भी वजह से, चाहे तेज़ हवा में, चाहे चील या बैरी की वजह से, किसी भी वजह से ये मेरे पास से कबूतर जाए, इसीलिए गाइस मेन रीज़न है कि ये कबूतर का जो है पर कैच कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा पर कैच नहीं किया जाएगा, हाफ कैच मारा जाएगा, जिससे कि गाइस कबूतर जो है ज़्यादा ऊपर ना जा सके, ठीक है। नहीं तो भाई कबूतर उड़ तो एकदम आराम से सकता है। गाइस जो ये चार पर आप देख रहे हो, ये चार पर इसके रहने दिया जाएगा, बस ये जो यहाँ के चार, तीन दो पाँच, ये पाँच पर जो है बस इसके कैच कर दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस चार पर इसके रहने दिया जाएगा, भाई पकड़ कबूतर को। और गाइस चार पर इसका इसलिए जो है छोड़ा जा रहा है क्योंकि हम लोग के पास ये कबूतर एकदम सेट हो चुका है, पर काटने का मेन रीज़न यही है, गाइस चार पर काट देते हैं जिससे कि भाई कबूतर जो है ना ऊपर ना जाए। ये देखो गाइस इसके जो है हम लोगों ने चार पर जो है काट दिया है पूरा यहाँ पे, देखो रुक गया रुक गया। तो गाइस ये आप देखो, बस यहाँ के जो है पर काटा है मैंने, और एक जो है काट डालते हैं, क्योंकि गाइस इतने पर पे भी अगर गाइस ये ऊपर जाना चाहे तो एकदम आराम से चला जाएगा, ठीक है। ये देखो ये गाइस मैंने इसका जो है चार पर छोड़ दिया स्टार्टिंग का, और यहाँ के जो है पांच पर काट दिए हैं। अब इस साइड का भी ऐसे ही करेंगे। अब इससे गाइस होगा क्या कि अगर ये उड़ता भी है और ऊपर जाता भी है तो भले चला जाएगा, लेकिन गाइस ज़्यादा टाइम आसमान में नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए जो है हम लोगों ने इसका काटा, इधर से भी चार पर छोड़ देते हैं और पाँच पर जो है काट देते हैं। और गाइस इधर से भी देखो भाई, जो है इसका चार पर मैंने काट डाला है, चार पर छोड़ के इधर का पर जो है मैंने काट दिया, ठीक है।
अभी गाइस देखो आप लोग, एक बार मैं पकड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये है कबूतर और गाइस ये देखो, ठीक है। यहाँ पे गाइस दोनों साइड जो है मैंने चार चार पर छोड़े हुए हैं, जिससे कि गाइस कबूतर जो है ऊपर नीचे कर ले। और गाइस इतने पर पे भी अगर ये चाहे तो बिल्कुल उड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है आसमान में नहीं रह सकता, ठीक है। इसीलिए गाइस जो मैंने इसका चार पर छोड़ दिया, इसको अभी गाइस छोड़ देते हैं नीचे। ये देखो अभी गाइस पकड़ के लाते हैं अपने कासनी, जो लाल कासनी है उसको पकड़ के लेके आते हैं। सो गाइस अभी जो है आप लोगों के सामने है हमारा लाल कासनी कबूतर, और आप लोगों को भी पता है भाई ये कबूतर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा उड़ चुका है, ठीक है। और गाइस मैं जो है अभी इसको जोड़े में डाला हूँ और इसका भी मुझे ब्रीड लेना है, लेकिन भाई इसको भी चाहे जितना भी हम लोग रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन गाइस ये नहीं रुकता है, ठीक है। और गाइस देख लो भाई इसके भी जो कुंदे उंदे हैं, और गाइस इसकी टेल भी देखो भाई, एकदम गाइस बंद पूछ का कबूतर है ये, ठीक है। तो गाइस इसका भी जो है पर कैच कर देते हैं, क्योंकि भाई मेरे को जिन कबूतरों को रोकना है, जिसे नहीं उड़ाना है, वो कबूतर ना उड़े तो ही अच्छा है भाई। पकड़ इसको भी, इसका भी गाइस सेम वैसे ही किया जाएगा, चार पर जो है छोड़ के बाकी सब काट दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तीन चार, रुक जाओ भाई पकड़ के रखो। यहाँ पर गाइस जो पर है पाँच पर काट दिया, रुक जा बेटे, रुक जा, पकड़ ले भाई अच्छे से पकड़ ले। और गाइस तीन चार इधर का भी छोड़ के यहाँ के जो पर हैं वो भी काट देते। तो अभी गाइस इस कबूतर का भी जो है मैंने चार पर छोड़ के पर जो है काट दिया, ठीक है। ये देखो, ये गाइस दो पर और एक अभी ये जो पर है ये साफ कर रहा है, ठीक है। अब इससे गाइस ये जो है ऊपर नीचे इधर उधर एकदम आराम से कर सकता है, उड़ने को उड़ भी सकता है इतने पर पे, लेकिन ज़्यादा देर तक आसमान में नहीं रह सकता, ठीक है। तो अभी गाइस इसको भी जो है हम लोग छोड़ देते हैं, ये देखो। और गाइस एक और फीमेल जो है उसका भी मैंने जो है पर कैच कर दिया था, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, जो घाघरी फीमेल है, उसका भी शौक मैं आप लोगों को इसी वीडियो में करा देता हूँ, ठीक। सो गाइस ये देखो भाई, ये रही फीमेल, ठीक है। इसकी आंखों का शौक कर लो, ये देखो। और गाइस ये फीमेल का पर काटे मेरे को 10 दिन हो गया है, ये देखो भाई। यहाँ का पर भी हम लोगों ने काट दिया था, लेकिन लगता है इसने पर झाड़ करके एक पर जो है ला दिया है, ठीक है। या फिर उस समय गाइस इसका पर झाड़ किया हो और ये पर जो है आर आउट, तो ये देखो भाई यहाँ का एक पर जो है आया हुआ है। और इधर गाइस देखो, चार पर छोड़ के बाकी सारे पर मैंने इसके कैच किए हुए हैं, देखो गाइस इधर भी वही चीज़, ठीक है। तो गाइस इसको भी जो है अभी छोड़ देते हैं, ये देखो गाइस इससे होगा क्या कि भाई जो अपने कबूतर है वो ऊपर नीचे एकदम आराम से कर सकते हैं। जैसा कि आप देखो, वो तीनों के जो है मैंने पर कैच किए हुए हैं, और वो तीनों को अगर मैं अभी उड़ा भी दूँ तो उड़ेंगे भी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाई कबूतर उड़ेगा नहीं चाहे कुछ भी, कबूतर बिल्कुल उड़ेगा भी, देखो। और इससे गाइस फ़ायदा ये होता है कि जिस कबूतर को आपको रोकना है, जिसको ब्रीडिंग में आपने डाला हुआ है, वो कबूतर जो है जाया होने से जो है बच जाते हैं, ठीक है। सो गाइस ये देखो भाई, यहाँ पे जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ये लाल कासनी है, ठीक है। तो देख लो पूरा एकदम हाइट पे कबूतर चला गया है उत्ते से पर पे। तो अगर आप भी इतना पर कैच करते हो तो ये मत समझना कि भाई कबूतर जो है बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, भाई बिल्कुल कबूतर उड़ सकता है। गाइस जो कबूतर आपके टिके हुए हों आपके छत पे, उन्हीं कबूतरों का बस इतना पर काटना। अगर आपने नया कबूतर लाया और इतने पर छोड़ दिए, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया वीडियो में, तो भाई वो आपका कबूतर निकल जाएगा, क्योंकि इतने पर पे कबूतर एकदम ईजिली उड़ लेता है, ठीक है। और गाइस हम लोग इतना पर कबूतर का इसलिए काटे क्योंकि भले ये देखो उड़ गया है, ठीक है, वो देखो वो जा रहा है, लेकिन गाइस ये कबूतर जो है जितना टाइम पहले मारता था उतना टाइम नहीं मारेगा। इसको थोड़ा बहुत जो है आसमान में जाके अपना बाजू साफ करेगा, थोड़ा बहुत उड़ेगा और उसके बाद जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो गाइस अभी जो है ये इतने पे आ भी चुका है। सो गाइस ये देखो भाई, मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि भाई कोई और कबूतर है। आप लोग को दिख गया होगा कि भाई कबूतर का जो है पर कैच है, ठीक है। और गाइस ये देखो भाई, यहाँ पे अभी जो है ये नीचे आ चुका है। अभी गाइस ये आके बैठेगा तो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस ये लाल कासनी है, ठीक है। और गाइस इन लोगों ने अभी जो है अंडे भी दे रखे हैं, उसके बाद भी जो है ये बार बार उड़ उड़ करता है। यही रीज़न है कि भाई इसका जो है मुझे पर कैच करना पड़ा। और अभी जो है ये नीचे आ चुका है तो आप लोग को दिखा भी देते।
आओ आओ। सो गाइस ये देखो भाई, ये जो है लाल कासनी आके बैठ गया, ठीक है। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने कबूतर का पर कैच कर दिया है, लाल बाजरा उधर है और लाल कासनी तो जो है अंदर चला गया है, ठीक है। तो अगर गाइस आप भी अपने कबूतर का पर कैच करना चाहते हो तो कुछ इसी टाइप से कर सकते हो, लेकिन अपने नए कबूतर का पर बिल्कुल भी ऐसे मत कैच करना, नहीं तो भाई वो निकल जाएगा। जो कबूतर आपके छत पे अच्छे से टिक चुका है, जो सेट हो चुका है, उसी कबूतर का चार पर छोड़ के बाकी सब कैच करना, ठीक है। क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, इतने पर कैच करने के बाद भी कबूतर एकदम हाइट पे जाके उड़ते हैं, ठीक है। और गाइस वो देखो भाई, लाल कासनी भी जो है निकल आया, वो देखो घुटक रहा है जो ऊपर, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो। चैनल पे नया हो, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।